हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, राजस्थान पुलिस की कट ऑफ लिस्ट पर आज हम बात करने वाले हैं। कई दोस्तों का लगातार मैसेज पर मैसेज आ रहा था, हम अभी एक एक डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ लिस्ट लेकर आएंगे जिससे आपको आसानी होगी अपनी कट ऑफ लिस्ट देखने को। अगर आप इस कट ऑफ लिस्ट की जोन में हो तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म श्योर होने वाला है। मैं फाइनल कट ऑफ लिस्ट की बात करूंगा, जो आपकी फाइनल में जो कट ऑफ लिस्ट रहेगी मेरिट के आधार पर जब आपका सिलेक्शन किया जाएगा, उस कट ऑफ को लेकर मैं चल रहा हूँ इसलिए। और अगर आपको अपने नंबर बताने चाहते हो कि सर मैं झुंझुनू से हूँ और इतने मैंने वहाँ से एग्जाम दी थी और इतने नंबर मेरे इस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो जरूर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बताऊंगा, उस व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप है राजस्थान पुलिस से संबंधित, हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जब तक आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन और फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती, जब तक आपको उस ग्रुप में अपडेट मिलती रहेगी राजस्थान पुलिस से संबंधित। आज बात करेंगे हम झुंझुनू से कि पुरुषों की कट ऑफ क्या जाएगी, महिलाओं की कट ऑफ क्या जाएगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं, हम आ चुके हैं पुरुष अभ्यर्थियों की। सबसे पहले हम देखेंगे कि झुंझुनू से कितनी कट ऑफ जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल कैटेगरी की और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और एमबीसी की फिर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं कि यूआर से सीट कितनी है। 35 सीट आपकी झुंझुनू से है पुरुष अभ्यर्थियों की, मैं बता रहा हूँ। ओबीसी से 0 सीट है, ईडब्ल्यूएस से आपकी सीट है 6 सीट आपकी ईडब्ल्यूएस से है, एससी की आपकी सीट है फ्रेंड्स 10 सीट एससी की है, और एसटी की सीट है आपकी फ्रेंड्स 7, ठीक है, और एमबीसी की सीट है आपकी 3 सीट। ये आपकी वहाँ से सीट है जो कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया है। अब हम इनकी कट ऑफ पर बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि जनरल कैटेगरी में आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। जब जिस अनुसार मेरे पास मैसेज आया है उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट्सएप पर एक सर्वे के आधार पर मैंने ये सर्वे किया था कि झुंझुनू से कितनी जा सकती है। तो जिस भी विद्यार्थी के अगर 90 से लेकर अगर 95 अंक झुंझुनू से आ रहे हैं वो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। व्हाट्सएप आपके सामने है 80, 58, 85, 13, 75। तो जनरल कैटेगरी के मेल कैटेगरी में हम बात करें 90 से 95 के बीच में अगर आपके नंबर है तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ओबीसी की कोई भी सीट नहीं है यहाँ से, और ईडब्ल्यूएस की 6 सीट है, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लिस्ट रहने वाली है 85 से लेकर 90 के बीच में आपकी कट ऑफ लिस्ट रहने वाली है फ्रेंड्स। एससी की हम बात करें तो 80 से लेकर 85 के बीच में आपकी कट ऑफ लिस्ट रहने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एसटी की हम बात करें तो फ्रेंड्स 85+ आपके नंबर है तो एसटी में आपको सिलेक्शन मिल सकता है। 85 से लेकर 87 के बीच में आपके नंबर रहने वाले हैं फ्रेंड्स, और कुल सीट है यहाँ से 7 सीट है एसटी की, ठीक है। अब हम बात करेंगे एमबीसी की, एमबीसी की क्या कट ऑफ लिस्ट रहने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एमबीसी में नंबर कितने हैं आपके। तो नंबर जब मेरे पास मैसेज आया कई दोस्तों का, सर इतने एमबीसी से हमारे नंबर आ रहे हैं, तो कट ऑफ उनकी जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एमबीसी में सीट है 3, ठीक है फ्रेंड्स। और 85+ अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। एमबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, 3 सीट यहाँ से है, ठीक है। अब बात करेंगे महिला अभ्यर्थी की कट ऑफ लिस्ट क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे महिलाओं की सीट कितनी है। यूआर से सीट है आपकी 10 सीट है, ओबीसी की कोई भी सीट नहीं है। फिर हम देखेंगे फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस की 2 सीट है इसमें, और एससी की 2 सीट है, और एसटी की भी 2 सीट है यहाँ से, ठीक है, और एमबीसी की 1 सीट यहाँ से है, ठीक है। ये आपकी कुल सीट है महिला कैटेगरी की, मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अब हम कट ऑफ पर बात कर लेंगे, और महिला कैटेगरी में जिसके भी अगर 85 से लेकर अगर 90 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है, वर्दी आपकी रहने वाली है। ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी की कोई भी सीट यहाँ से महिला कैटेगरी की नहीं है झुंझुनू से, और एमबीसी की हम बात करेंगे, एमबीसी की आपकी 1 सीट है फ्रेंड्स, और 1 सीट आपकी एमबीसी की है। 90+ अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म श्योर, इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है, कोई भी दिक्कत आपकी नहीं रहने वाली है। 1 सीट है, और जिसके भी 90 नंबर आ रहे हैं तो ज़रूर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की हम बात करेंगे, 2 सीट है आपकी, और ईडब्ल्यूएस से आपकी कट ऑफ जाने वाली है 80 से लेकर 85 के बीच में। अगर ईडब्ल्यूएस में आपके नंबर है तो कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है, और एससी की 2 सीट है यहाँ से, और 80 से लेकर 85 के आसपास इनकी सीट जाएगी, ईडब्ल्यूएस के बराबर ही एसटी की, एससी की जाने वाली है। और एसटी की हम बात करें तो 2 सीट है एसटी की, और 80 से लेकर 88 के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा जो एसटी में महिला कैंडिडेट है झुंझुनू से उनका। तो जिन्होंने झुंझुनू से अप्लाई किया था फॉर्म उनकी कट ऑफ लिस्ट हमने बता दी है, और जिनको भी डिस्ट्रिक्ट वाइज, एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हम कट ऑफ लिस्ट लेकर आएंगे, और अपने नंबर हमें व्हाट्सएप पर जरूर बता देना। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिए हुए हैं 80, 58, 85, 13, 75। तो सभी को धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।